हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल एज अ मम्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरा आज फर्स्ट व्लॉगिंग है, मैं फर्स्ट व्लॉग कर रही हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो से हटके कुछ व्लॉग भी कर लिया जाए। तो आज हम जा रहे हैं सत्रह, मैं, मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको चंडीगढ़ के नज़ारे। तो एक्चुअली मैं वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी हुई है हुनर हाट करके, तो वहाँ पे अलग अलग सिटीज से शिल्पकार और खाने पीने के आइटम्स जो बनाते हैं वो सब लोग आ रखे हुए हैं अपना अपना हुनर दिखाने के लिए कि वो किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। और काफ़ी सारे कपड़े हैं वहाँ पे, ज्वेलरीज हैं, कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने के लिए। एक्चुअली मैं खुद पहली बार जा रही हूँ, तो मैं चाहती थी कि शायद एक बार मैं ब्लॉगिंग कर लूँ ताकि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैंने वहाँ पे क्या क्या शॉपिंग करी या कुछ खरीदा, क्या क्या चीज़ें मुझे वहाँ पे अच्छी लगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉगिंग का सोचा शूट करने का। एक्चुअली मैं कार में शूट नहीं कर पाती क्योंकि बेबी छोटी है मेरी, तो उसको कैरी करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं घर पर शूट करके जा रही हूँ कि आपको अपडेट दे दूँ। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे वहाँ पे सत्रह में। बाकी बने रहिए मेरे साथ में इस व्लॉग में, और कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉगिंग है। आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी लाती रहूँगी, अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी लाती रहूँगी। तो बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए हम लोग हुनर हाट पहुँच चुके हैं, और देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं ऊपर। चलिए हम आगे चलते हैं, हस्बैंड और बेटा मेरा आगे जा रहा है टाइम में बीबी को लेके। देखिए सामने कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे सब। मैं भी आपको स्टॉल्स वगैरह भी दिखाने वाली हूँ यहाँ पे आगे, यहाँ पे कितने स्टॉल्स वगैरह लगी हुई हैं। ये देखिए कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है स्कूटर को, ब्रास का स्कूटर है, आई थिंक ब्रास से तैयार कर रखा है, काफी अच्छा लग रहा है ये भी। ये देखिए कितनी अच्छी चित्रकारी करी गई है यहाँ पे, देखिए कितने प्यारे प्यारे स्टैचू हैं। ये देखिए आप, ये देखिए कितने प्यारे स्टैचू हैं। ये देखिए मेरा बेटा, विशु हाय कर दो, से हाय सामने देख के, हाय। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे पर्स वगैरह हैं यहाँ पे, यहाँ पर्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। शायद ये क्या है, मेरे के कुर्ते तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। ये बनारस की साड़ियाँ हैं, ये देखिए कितना प्यारा कलेक्शन है यहाँ पे। भाई ये वाले कितने का है? 12,200। प्योर बनारसी? देखिए प्रॉपर पूरी बनारसी साड़ी है, 12,000 का रेट बता रहे हैं। बाकी और भी कलेक्शंस हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये वाले कितना रेट है इसका? 35,000। ये देखिए आंध्र प्रदेश की शायद ये लटकने हैं, ये पेपर से बनी है, इतनी पेपर से ही बनी है ये, पर बहुत प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा कलेक्शंस है यहाँ पे। नीचे इस टाइप के लैम्प्स भी हैं, देखिए आप लैम्प टाइप का भी है यहाँ पे साथ में। ये देखिए आपके समझ में आ जाएगा, आंध्र प्रदेश की, ये आंध्र प्रदेश का है सारा का पूरा, जितने भी लटकन वगैरह हैं सब आंध्र प्रदेश का स्पेशल है यहाँ का। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लैम्प लग रहा है, ये लैम्प बनाए हुए हैं काफ़ी अच्छा है, अंदर बल्ब भी लगा सकते हैं इसमें, देखिए बल्ब भी लगा सकते हैं उसमें। ये असम का है, कुशंस कवर वगैरह हैं असम के, ये असम के स्पेशल हैं आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया कलेक्शन है। ये देखिए वगैरह भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, देखिए प्यारी प्यारी ज्वेलरीज हैं यहाँ पे। भाई क्या रेट है इन सबका? 600 रुपये। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. खुद देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ मिल रही थी, खुद देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको लेके चलती हूँ खाने वाले एरिए में। ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन हो रखा था, छतरी टाइप का डेकोरेशन किया था उन्होंने। और देखिए मैंने आपको पूरी चारों तरफ से घुमा के भी दिखा दिया है, काफ़ी कुछ था वहाँ देखने के लिए खाने के लिए। और वहाँ पर एक दो तरह के शो पीस टाइप के रखे थे, तो फोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं वहाँ पे। वैसे दो शो पीस रखे हुए थे, मतलब गाय टाइप के बने हुए, गाय गैया वगैरह बनी हुई थी जो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी देखने में, बैलगाड़ी टाइप की। लोग काफ़ी फोटोज वगैरह खिंचवाया है लोगों ने वहाँ पे। और उसके अलावा आप देखिए उत्तर प्रदेश की चाट मिल रही है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की सेव पूरी थी ये हमने खाई थी, ये काफ़ी टेस्टी थी। ये उत्तर प्रदेश आए थे भैया बनाने के लिए, काफ़ी अच्छी अच्छी चाट थी, काफ़ी बढ़िया लग रही थी खाने में। ये जूस वाले भैया जूस वगैरह बना रहे हैं, लेमन सोडा वगैरह काफ़ी कुछ था इनके पास में। इसके बाद देखिए आप, मैंने आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा दिया है यहाँ पे सिक्किम के मोमोज, बिहार की लिट्टी चोखा, राजस्थान की दाल बाटी चूरमा। ये भैया जलेबी बना रहे थे, हरियाणा से थे, गरम गरम जलेबी निकाल रहे थे, प्योर देसी की जलेबी है। तो जलेबी इतनी बड़ी थी कि आप दो लोग खा लो आराम से। और ये हमने खाई थी, हम घर लेके पैक करा के भी लाए थे। हमने वहाँ पर थोड़ी शॉपिंग भी करी थी, मतलब मैंने शॉपिंग करती भी थी, मेरे हाथ में थी। तो मैं कुछ कान के, वेस्ट बंगाल के कान के देख रही हूँ, ये प्रॉपर मिट्टी के बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये 100 रुपीज़ का गले का मिल रहा था, 50 रुपीज़ का यहाँ पे कान के मिल रहे थे, जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे देखने में। और प्योर मिट्टी के बने हुए थे, मतलब मैं तो देख के हैरान थी कि इतने अच्छे मिट्टी की कलाकारी करी गई है यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हमने यहाँ पे भी थोड़ी शॉपिंग करी थी, यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल के कप वगैरह मिल रहे थे जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। और ये मतलब मिट्टी के बने हुए थे, प्रॉपर प्योर मिट्टी के थे ये। और साथ में हमने इसके साथ में सॉसर भी लिया था, मैंने इसका एक पूरा लास्ट में बाहर निकलते हुए जिन बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे घोड़ा वगैरह थे, यहाँ पे भैया घोड़ा लेके चल रहे थे। मेरा पता लेकिन डर भी गया था एक बार, वो क्या चीज़ है, पर काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर घूमने में हमें। ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और काफ़ी कुछ वैरायटी थी वहाँ पर हुनर हाट में जो हर साल लगता है, तो आप जाके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे, क्या क्या लोग कैसे कैसे लोग वहाँ पे अपना हुनर दिखाते हैं। तो अगले साल आप ज़रूर विज़िट करिएगा वहाँ पे। और साथ में अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।